प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, क्या आपकी सैलरी से ईपीएफओ कटता है? तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि यह खबर सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ खाता धारकों के रूप में अदानी ग्रुप में दो शेयर में लगे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरावट के बावजूद भी अभी निवेश जारी है। ईपीएफओ ने अदानी ग्रुप के दो शेयर अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स में निवेश करना जारी रखा है। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ इन दिनों ही कंपनियों में कैप्टिव निवेशक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों स्टॉक निफ्टी का हिस्सा है, जिन्हें ईपीएफओ प्रतिबंध फंड द्वारा ट्रैक किया जाता है। करीब 27.73 करोड़ भारतीयों के रिटायरमेंट बचत का मैनेज करने वाले इस संस्था ने अदानी ग्रुप के दो शेयर अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स में निवेश करना जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईपीएफओ अपने कॉर्प्स का 15% एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करता है। मार्च 2022 तक इनसे ईटीएफ में 1.97 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था और वित्त वर्ष 2023 में और 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस बैठक में सैलरी पेशा लोगों के पेंशन बढ़ाने, वित्त वर्ष 2023 के लिए ब्याज दर और सालाना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ईपीएफओ देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड है। अदानी समूह के शेयरों में गिरावट के बाद एक्सपर्ट्स ने ईपीएफओ से उसके निवेश के जुड़े फैसलों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। वहीं कुछ लोगों ने लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने के लिए निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का भी सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।